सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़ी ध्यान से आप सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पर ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। जो श्राद्ध प्रतिदिन किया जाता है उसे नित्य श्राद्ध माना गया है। जो पुरुष श्राद्ध पूर्वक नित्य श्राद्ध करता है वह अच्छे लोक का उपभोग करता है। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में विधि पूर्वक काम्य श्राद्ध का अनुष्ठान करके मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त करता है। आषाढ़ की पूर्णिमा के बाद जो पांचवा पक्ष आता है जिसे महालय या पितृ पक्ष कहते हैं, उसमें पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। उस समय सूर्य कन्या राशि गए हैं या नहीं इसका विचार नहीं करना चाहिए। जब सूर्य कन्या राशि पर स्थित होते हैं उस समय से लेकर 16 दिन उत्तम दक्षिणाओं से संपन्न यज्ञों के समान महत्व रखते हैं। उन दिनों में इस परम पवित्र काम्य श्राद्ध का अनुष्ठान करना उचित है। इससे श्राद्धकर्ता का मंगल होता है। यदि उस समय श्राद्ध न हो सके तो जब सूर्य तुला राशि पर स्थित हो, यदि उस समय श्राद्ध न हो सके तो जब सूर्य उसी समय कृष्ण पक्ष आदि में उक्त श्राद्ध करना उचित है। चंद्र ग्रहण के समय सभी दान भूमिदान समान होते हैं। सभी ब्राह्मण व्यास के समान माने जाते हैं और समस्त जल गंगा जल के तुल्य हो जाता है। चंद्र ग्रहण में दिया हुआ दान और समय की अपेक्षा 1,00,000 गुना तथा सूर्य ग्रहण 10,00,000 गुना अधिक फल देने वाला बताया गया है। और यदि गंगा जी का जल प्राप्त हो जाए तब तो चंद्र ग्रहण का दान 1,00,000,000 गुना और सूर्य ग्रहण में दिया हुआ दान 10,00,000,000 गुना अधिक फल देने वाला होता है। विधि पूर्वक 1,00,000 गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है वह चंद्र ग्रहण के समय गंगा जी में स्नान करने से मिल जाता है। जो चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण में गंगा जी में डुबकी लगाता है उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। यदि रविवार को सूर्य ग्रहण और सोमवार को चंद्र ग्रहण हो तो वह चूड़ामणि नामक योग कहलाता है। उसमें स्नान और दान का अनंत फल माना गया है। उस समय पौड़ तीर्थ में पहले उपवास करके जो पुरुष पिंडदान तथा तर्पण तथा धन दान करता है वह सत्यलोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। ब्राह्मण ने पूछा, देव आपने पिता के लिए किए जाने वाले श्राद्ध नामक महायज्ञ का वर्णन किया, अब यह बताइए कि पुत्र को पिता के जीते जी क्या करना चाहिए, कौन सा कर्म करके
बुद्धिमान पुत्र को जन्म जन्मांतरों से परम कल्याण की प्राप्ति हो सकती है। ये सब बातें यत्नपूर्वक बताने की कृपा कीजिए। श्री भगवान बोले, विप्रवर, पिता को देवता के समान समझकर उनकी पूजा करनी चाहिए और पुत्र की भांति उन पर स्नेह रखना चाहिए। कभी मन से भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो पुत्र रोगी पिता की भली भांति परिचर्या करता है, उसे अच्छे स्वर की प्राप्ति होती है और वह सदा देवताओं द्वारा पूजित होता है। पिता जब मरणासन होकर मृत्यु के लक्षण देख रहे हो, उस समय भी उनका पूजन करके पुत्र देवताओं के समान हो जाता है। पिता की सदगति के निमित्त विधि पूर्वक उपवास करने से जो लाभ होता है, अब उसका वर्णन करता हूँ। सुनो, 1000 अश्वमेध और 100 राजसु यज्ञ करने से जो पुण्य होता है, वही पुण्य पिता के निमित्त उपवास करने से प्राप्त होता है। वही उपवास यदि तीर्थ में किया जाए तो उन दोनों यज्ञों से करोड़ गुना अधिक फल मिलता है। जिस श्रेष्ठ पुरुष के प्राण गंगा जी के जल में छूटते हैं, वह पुनः माता के दूध का पान नहीं करता। वरम मुक्त हो जाता है। जो इच्छा अनुसार काशी में रहकर प्राण त्याग करता है, वह मनोवांछित फल भोग कर मेरे स्वरूप में लीन हो जाता है। योग युक्त नैष्टिक ब्रह्मचारी मुनियों को जिस गति की प्राप्ति होती है, वही गति ब्रह्मपुत्र नदी की 7 धाराओं में प्राण त्याग करने वाले को मिलता है। विशेषतः अनंतकाल जो सोन नदी के उत्तर तट का आश्रय लेकर विधि पूर्वक प्राण त्याग करता है, वह मेरी समानता को प्राप्त होता है। जिस मनुष्य की मृत्यु घर के भीतर होती है, उस घर के छप्पर में जितनी गांठें बधी रहती हैं, उतने ही बंधन उसके शरीर में भी बध जाते हैं। एक एक वर्ष के बाद उसका एक एक बंधन खुलता है। पुत्र और भाई बंधु देखते रह जाते हैं, किसी के द्वारा उसे उस बंधन से छुटकारा नहीं मिलता। पर्वत, जंगल, दुर्गम भूमि या जलराशि स्थान में प्राण त्याग करने वाला मनुष्य दुर्गति को प्राप्त होता है। उसे कीड़े मकोड़े आदि योनि में जन्म लेना पड़ता है। जिस मरे हुए व्यक्ति के शव का दाह संस्कार मृत्यु के दूसरे दिन होता है, वह 60,000 वर्षों तक कुंभी पाक नरक में पड़ा रहता है। जो मनुष्य अस्पृश्या का स्पर्श करके या पतितावस्था में प्राण त्याग करता है, वह चीरकाल तक नरक में निवास करके मलक्ष योनि में जन्म लेता है। पुण्य अथवा पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने से मर्तलोक निवासी सब मनुष्यों की मृत्यु के समय जैसी बुद्धि होती है, वैसी ही गति उन्हें प्राप्त होती है। पिता के मरने पर जो बलवान पुत्र उनके शरीर को कंधे पर ढोता है, उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पुत्र को चाहिए कि वह पिता के शव को चिता पर रखकर विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण करते हुए पहले उनके मुख में आग दे, उसके बाद संपूर्ण शरीर का दाह करें। उस समय इस प्रकार कहे, जो लोभ मोह से युक्त तथा पाप पूर्ण से आच्छादित थे, उन पिता के इस शव का, इसके संपूर्ण अंगों का मैं दाह करता हूँ। वे वेद दिव्य लोक में जाएं,
इस प्रकार दाहकर के पुत्र अस्थि संचय के लिए कुछ दिन प्रतीक्षा में व्यतीत करें, फिर यथासमय अस्थि संचय करके दसवां दिन आने पर स्नान कर गीले वस्त्र का परित्याग कर दे। फिर विद्वान पुरुष 11वें दिन एकादश श्राद्ध करके और प्रेत के शरीर की पुष्टि के लिए एक ब्राह्मण को भोजन कराए। उस समय वस्त्र पीढ़ा और चरण पादुका आदि वस्तुओं का विधिपूर्वक दान करें। दशाह के चौथे दिन किया जाने वाला चतुर्थाह दिन पक्ष के तीन पक्ष के बाद किए जाने वाला त्रैपाक्षिक अथवा सार्धमासिक, 6 मास के भीतर होने वाला 59मासिक तथा वर्ष के भीतर किए जाने वाला 79 श्राद्ध और इसके अतिरिक्त 12 महीनों के 12 श्राद्ध कुल 16 श्राद्ध माने गए हैं, जिसके लिए ये 16 श्राद्ध यथाशक्ति श्रद्धापूर्वक नहीं किए जाते, उनका पिशाचित्व स्थिर हो जाता है। अन्य सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी प्रेत योनि से उसका उद्धार नहीं होता। 1 वर्ष व्यतीत होने पर विद्वान पुरुष पार्वण श्राद्ध की विधि से सपिंडीकरण नामक श्राद्ध करें। ब्राह्मण ने पूछा, केशव, तपस्वी, वनवासी और गृहस्थ ब्राह्मण यदि धन से हीन हो तो उसका पितृ कार्य कैसे हो सकता है? श्री भगवान बोले, जो तृण और काष्ठ का उपार्जन करके अथवा कौड़ी कौड़ी मांग कर पितृ कार्य करता है, उसके कर्म का 1,00,000 गुना अधिक फल होता है। कुछ भी न हो तो पिता की तिथि आने पर जो मनुष्य केवल गौओं को घास खिला देता है, उसे पिंडदान से भी अधिक फल प्राप्त होता है। पूर्वकाल की बात है, विराट देश में एक अत्यंत दीन मनुष्य रहता था। एक दिन पिता की तिथि आने पर वह बहुत रोया। रोने का कारण यह था कि उसके पास श्राद्धोपयोग की सभी वस्तुओं का अभाव था। बहुत देर तक रोने के पश्चात उसने किसी विद्वान ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण, आज मेरे पिता की तिथि है, किंतु मेरे पास धन के नाम पर कौड़ी भी नहीं है। ऐसी दशा में क्या करने से मेरा हित होगा? आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं धर्म में स्थित रह सकूँ। विद्वान ब्राह्मण ने कहा, तात, इस समय कूतप नामक मुहूर्त बीत रहा है। तुम शीघ्र ही वन में जाओ और पितरों के उद्देश्य से घास लाकर गौओं को खिला दो। तदनंतर ब्राह्मण के उपदेश से वह वन में गया और घास का बोझा लेकर बड़े हर्ष के साथ पिता की तृप्ति के लिए उसे गौओं को खिला दिया। इस पुण्य के प्रभाव से वह देवलोक को चला गया। पितृ यज्ञ से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है, इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके अपनी शक्ति की अनुसार मात्र भाव का त्याग करके श्राद्ध करना चाहिए। जो मनुष्य लोगों के सामने इस धर्म संतान धर्म का विस्तार करने वाले अध्याय का पाठ करता है, उसे प्रत्येक लोकों में गंगा जी के जल में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। जिसने प्रत्येक जन्म में महापातकों का संग्रह किया हो, उसका वह सारा संग्रह इस अध्याय का एक बार पाठ करने या श्रवण करने पर नष्ट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुने, क्योंकि
किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पर ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। कोढ़ी ब्राह्मण बोला, देवी मैं कैसे उसके घर जाऊंगा, मुझसे तो चला नहीं जाता, फिर कैसे वह कार्य सिद्ध होगा। पतिव्रता नारी बोली, प्राणनाथ मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर उसके घर पहुंचाऊंगी और आपका मनोरथ सिद्ध हो जाने पर फिर उसी मार्ग से लौटा ले आऊंगी। ब्राह्मण ने कहा, कल्याणी तुम्हारे करने से ही मेरा कार्य सिद्ध होगा। इस समय तुमने जो काम किया है वह दूसरी स्त्री के लिए दुष्कर है। श्री भगवान कहते हैं, उस नगर में किसी धनी के घर में चोरों ने बहुत सा धन चुरा लिया। यह बात जब राजा के कानों में पड़ी तब उन्होंने रात में घूमने वाले समस्त गुप्तचरों को बुलाया और कूपित होकर कहा, यदि तुम्हें जीवित रहने की इच्छा हो तो आज चोर को पकड़कर मेरे हवाले करो। राजा की यह आज्ञा पाकर सभी गुप्तचर व्याकुल हो उठे और चोर को पकड़ने की इच्छा से चल दिए। उस नगर के पास ही एक घना जंगल था जहाँ एक वृक्ष के नीचे महातेजस्वी मुनिवर मांडव्य समाधि लगाए बैठे थे। वे योगियों में प्रधान महर्षि अग्नि के समान दे दिव्यमान हो रहे थे। ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी उन महामुनि को देखकर दुष्ट गुप्तचरों ने आपस में कहा, यही चोर है, यह धूर्त अद्भुत रूप बनाए इस जंगल में निवास करता है। यो कहकर उन पापियों ने मुनिश्रेष्ठ मांडव्य को बांध लिया। किंतु उन कठोर स्वभाव वाले मनुष्यों से न तो उन्होंने कुछ कहा और न उनकी ओर दृष्टिपात ही किया। जब गुप्तचर उन्हें बांधकर राजा के पास ले गए तो राजा ने कहा, आज मुझे चोर मिला है, तुम लोग इसे नगर के निकटवर्ती प्रवेश द्वार के मार्ग पर ले जाओ और चोर के लिए जो नियत दंड है वह इसे दो। उन्होंने मांडव्य मुनि को वहाँ ले जाकर मार्ग में गड़े हुए शूल पर रख दिया। वह शूल मुनि के गुदा द्वार से प्रविष्ट होकर मस्तिष्क के पार हो गया। उनका सारा शरीर शूल से बिध गया। इसी बीच आधी रात के घोर अंधकार में, जबकि आकाश में घटाएं घिरी हुई थी, वह पतिव्रता
ब्राह्मणी अपने पति को पीठ पर बिठाकर वेश्या के घर जा रही थी। वह मुनि के निकट से होकर निकली, अतः उस कोड़ी का शरीर मांडव्य मुनि के शरीर से छू गया। कोढ़ी के संसर्ग से उनकी समाधि भंग हो गई। वे कूपित होकर बोले, जिसने इस समय मुझे गाढ़ वेदना का अनुभव कराने वाली कष्टमय अवस्था में पहुंचा दिया, वह सूर्योदय होते होते भस्म हो जाए। मांडव्य के इतना कहते ही वह कोढ़ी पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब प्रतिवता ने कहा, आज से सूर्य का उदय ही न हो। यो कहकर वह अपने पति को घर ले आए और एक सुंदर शैया पर सुला स्वयं उसे थाम कर बैठी रही। उधर मुनि श्रेष्ठ मांडव्य उस कोढ़ी को शाप दे अपने अभीष्ट स्थान को चले गए। इस प्रकार 3 दिन बीत गए, सूर्योदय नहीं हुआ। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी व्यथित हो उठे। यह देख समस्त देवता इंद्र को आगे करके ब्रह्मा जी के पास गए और सूर्योदय न होने का समाचार निवेदन करते हुए बोले, भगवान, सूर्य के उदय न होने का क्या कारण है? यह हमारी समझ में नहीं आता। इस समय आप जो उचित हो करें, उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने पतिव्रता ब्रह्माणी और मांडव्य मुनि का सारा वृत्तांत कह सुनाया। तदनंतर देवता विमानों पर आरूढ़ हो प्रजापति को आगे करके शीघ्र ही पृथ्वी पर उस पतिव्रता के घर के पास आ गए। उनके विमानों की कांति तथा मुनियों के तेज से पतिव्रता के घर के भीतर सैकड़ों सूर्यों का साप्रकाश छा गया। उस समय हंस के समान तेजस्वी विमानों द्वारा आए हुए देवताओं को पतिव्रता ने देखा। वह अपने पति के पास लेटी हुई थी। ब्रह्मा जी ने उसे संबोधित करके कहा, माता, संपूर्ण देवताओं, ब्राह्मणों और गौ आदि प्राणियों की जिससे मृत्यु होने की संभावना है, ऐसा कार्य तुम्हें क्यों पसंद आया? सूर्योदय के विरुद्ध जो तुम्हारा क्रोध है उसे त्याग दो। पतिव्रता बोली, भगवान, एकमात्र पति ही मेरे गुरु हैं। ये मेरे लिए संपूर्ण लोकों से बढ़कर हैं। सूर्योदय के होते ही मुनि के शाप से इनकी मृत्यु हो जाएगी, इसी हेतु से मैंने सूर्य को शाप दिया है कि क्रोध, मोह, लोभ, मात्सर्य अथवा काम के वश में होकर मैंने ऐसा नहीं किया है। ब्रह्मा जी ने कहा, माता, जब एक की मृत्यु से तीनों लोकों का हित हो रहा है तो ऐसी दशा में तुम्हें बहुत अधिक पुण्य होगा। पतिव्रता बोली, पति का त्याग करके मुझे आपका परम कल्याणमय सत्यलोक भी अच्छा नहीं लगता। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, सूर्योदय होने पर जब सारी त्रिलोकी स्वस्थ हो जाएगी
तब तुम्हारे पति के भस्म हो जाने पर भी मैं तुम्हारा कल्याण साधन करूँगा। हम लोग के आशीर्वाद से यह कोड़ी ब्राह्मण कामदेव की समान सुंदर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।